कब्ज यानी कि पेट का साफ न होना या कह लें कि शौच ठीक से न हो पाना, ज्यादातर लोगों को कभी न कभी कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। कब्ज जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है, ये हो जाने पर कई दिनों तक लगातार पेट साफ नहीं रहता। इस वजह से पूरा दिन बहुत ही असहज और भारीपन महसूस होता है। बिना कुछ खाए या भूख लगने पर भी ऐसा महसूस होता है मानो आपका पेट भरा हुआ हो। यदि आप कब्ज की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आइए जानते हैं इससे निजात पाने के कुछ आसान उपाय। पहला, कब्ज होने के कारणों में गलत खानपान, ठीक समय पर शौच न जाना, व्यायाम न करना और शारीरिक काम न होना शामिल है। दूसरा, इस समस्या से निजात पाने के लिए आप चोकर समेत आटे की रोटी खाएं और मीठा दूध पिएं। तीसरा, शक्कर गुड़ ज्यादातर पेट साफ रखते हैं, इसलिए खाने के बाद इसका सेवन करें। चौथा, सब्जियों में पत्ती समेत मूली, काली तोरई, घिया, बैंगन, गाजर, परवल, पपीता, टमाटर, ये सभी चीजें आपको खानी चाहिए। पांचवा, दालों का सेवन छिलके समेत ही करना चाहिए। छठा, अगर दवा की जरूरत हो तो थोड़ा सा खाने का सोडा पानी में घोलकर पी जाए, ऐसा करने से पेट हल्का रहेगा। सातवा, इमली में गुड़ डालकर मीठी चटनी बनाएं और इसका सेवन करें, इससे पेट साफ होता है। आठवा, भोजन के साथ सलाद में नमक डालें, टमाटर जरूर लें, नमक भी पेट साफ रखता है। कभी कभी थोड़ा सा पंचसकार चूर्ण भी आप ले सकते हैं। नौवा, भोजन के बाद सौंफ मिश्री चबाने से भी पेट ठीक रहता है। दसवा, ज्यादा कब्ज होने पर त्रिफला, अभयारिष्ट बहुत अच्छे विकल्प है, इनसे पेट हल्का हो जाता है। ग्यारहवा, रात को सोने से पहले गुनगुना दूध जरूर पीकर सोएं। बारहवा, अमरूद, पका हुआ केला, बेर, परवल, बैंगन, पपीता, अंगूर, अंजीर, आलू बुखारा, मुनक्का, आड़ू, उन्नाप, इन सभी चीजों का सेवन करें, इनसे कब्ज दूर रहेगा।